आम तरीके की जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, इसको ये सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ये लगाते हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पेय है। ये पी रही हूँ एलोवेरा, कड़ी पत्ता वगैरह डाल के सब भैया मुझे देते हैं, तो मेरी टैबलेट छूट गई, मुझे इससे बहुत रिलीफ है और शुगर भी मेरी बहुत कंट्रोल में है। मलेरिया हो गई, टाइफाइड हो गया, इसमें फ़ायदा है। और ये एक प्रैंक। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं गोपाल और आज कराऊंगा आपको राजेंद्र नगर की सैर। बने रहे मेरे चैनल पर, हम अपने शहर में आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मैं मॉर्निंग के समय आया हूं टहलने। आप देखिए कि मैं किस प्रकार किस वेशभूषा में आया हूं और किस प्रकार से बरेली का फेमस राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर के पास में आप देख सकते हैं, बरेली में सबसे फेमस मंदिरों में से एक। जी देख सकते हैं कितने पूरा नज़ारा, साफ नज़ारा इस राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर का है। ये देख सकते हैं बरेली का फेमस, राजेंद्र नगर की बरेली में कितना फेमस मंदिर है हमारे शहर में बरेली में। आप देख सकते हैं कितना सुबह मॉर्निंग वॉक भी किया जाता है, काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं इसमें, जैसे ग्लो है, एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, जामुन हो गया, अर्जुन की छाल, मेथी, अजवाइन का पानी, चिरायता, गिलोय का पानी, और इसका काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जैसे शुगर उगर है, सुबह शुगर है, बीपी है, सब नॉर्मल हो जाता है इससे। आपका खाली पेट पिया जाता है इसे सुबह सुबह मॉर्निंग में। और जैसे कि आप, इन्हें तो काफ़ी समय हो गया पीते हुए, इनसे कुछ जानकारी ले सकते हैं। ये मिक्स जूस है, इसमें तमाम तरीके की जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, इसको ये सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ये लगाते हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पेय है। सर जी बताइए, आपके ये पीते हैं तो इसकी क्या फ़ायदा हुआ है आपसे? इससे फ़ायदा ये है कि दोबारा से बॉडी रिचार्ज हो रही है, जो बॉडी में थोड़ी मोटी कमी आ गई है एज के अनुसार, जो आदमी इधर उधर की गलत चीज़ें से खा लेता है, उन सब के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। सर ये बताइए कि मतलब बॉडी रिपेयर के लिए कितना सहयोगी रहेगा? बॉडी आजकल आदमी सब मीठा मीठा ही खा रहा है, चिकना चिकना खा रहा है, शरीर के लिए कुछ कड़वी चीज़ों की भी तो ज़रूरत है। इससे कुछ नेचुरल चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे नीम है, ग्लो है, एलोवेरा है, आपके और भी कई चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं सांभर है और एक गिलोई है, आंवला है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। और से बताइए कितने प्रकार के जूस हैं आपके? कम से कम है 5-6 तरीके के हैं आपके। ये मिक्स है और एक और अभी बॉक्स में जो निकल रहा है। अब आपका यहाँ 5 बजे से लग जाता है, 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ये वाला है, आंवले का है, एलोवेरा का है आपका, और ग्लोई का है। और कहाँ पे लगाते हैं आप? ये आपका बांके बिहारी मंदिर के सामने, बांके बिहारी यार, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, 5 साल हो गए लगाते हुए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। मॉर्निंग वॉक में सभी लोगों का काफ़ी डिटॉक्स हुआ है बॉडी का, लोगों को, जैसे आप आजकल देख रहे हैं नेचुरल जो खाने पीने में लोग आजकल शाम को यूज़ कर रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह जो खाते हैं, सुबह अपने मॉर्निंग वॉक में अपना। और इसका कोई भी, ये नेचुरल है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक है पूरा, आयुर्वेदिक है। और जैसा कि हमारी मैडम सर आ रहे हैं, इन्होंने भी काफ़ी समय से पीना स्टार्ट किया है, और पीने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये भी काफ़ी समय से पीती है हमारे पास। मैडम इसके बारे में बताइए जो कि आप पी रहे हैं, कितना समय हो गया आपको पीते हुए? मुझे काफ़ी समय हो गया है, मैं थायराइड की जैसे टैबलेट्स लेती थी, और जब से मैं ये पी रही हूँ एलोवेरा, कड़ी पत्ता वगैरह डाल के सब भैया मुझे देते हैं, तो मेरी टैबलेट छूट गई, मुझे इससे बहुत रिलीफ है और शुगर भी मेरी बहुत कंट्रोल में है। मैम कितने मतलब पहले कितनी शुगर रहती थी आपकी? मेरी अप्रॉक्स 200 के करीब रहती थी, 170-200। करेंटली कितनी है अभी? अभी करेंटली मेरी मैनेज रहती है 100-105-120, बस इतना। मतलब इससे पीने से आपको फ़ायदा है? जी मुझे बहुत फ़ायदा है और मेरा थायराइड भी कंट्रोल में है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है, इन्हीं की वजह से हम भी आ जाते हैं। आ गया हूँ लाल पैथोलॉजी के सामने, मैं आपको ले आया हूँ बी मार्ट के सामने, जो कि राजेंद्र नगर में बहुत ही अच्छा
मॉल है जो कि बरेली शहर के राजेंद्र नगर स्थित इलाके में स्थित है, जो कि हमारे शहर में कुछ छोटे मॉलों में से एक है, जो कि बहुत ही अच्छे मॉल नए खुले हैं। इन्हीं में से बहुत अच्छे अच्छे गारमेंट मिल जाते हैं। अब मैं आपको ले आया हूँ सामने आपके सील चौराहे पर। सील चौराहा बरेली का सबसे फेमस चौराहों में से एक है। दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ राजेंद्र नगर मार्केट में। सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार की मार्केट है। राजेंद्र नगर में सबसे फेमस मार्केटों में से एक बरेली के स्मार्ट सिटी के तौर पर यह लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट बरेली में काफ़ी सुधर चुका है और ट्रैफिक की समस्या बहुत ही अच्छी हो चुकी है बरेली शहर में। मैं आपको ले आया हूँ सील चौराहे पर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो सामने देख सकते हैं जो कि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। और सामने हमारे हम राजनगर में ले आए हैं आपको कि बसंत ऋतु आने ही वाली है। आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार से पत्ते झड़ चुके हैं और अपनी नई पत्तों के लिए यह पौधा तैयार है, जो कि आप देख सकते हैं कितना पतझड़ हो चुका है। पतझड़ का मौसम है, ठंड आने के बाद पतझड़ का मौसम आता है। और इसी के साथ ही हम ले आए हैं आपको राजेंद्र नगर में बिजली घर के सामने, जो कि हमारे राजेंद्र नगर में ते हैं। और सामने ठीक सामने राजेंद्र नगर के ये बस स्टैंड है, जो कि स्मार्ट सिटी के तौर पर चल रही बसों का स्टैंड बन सकता है आगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्टैंड हमारे बरेली शहर में स्थित है, जो कि हमारे बरेली के राजेंद्र नगर स्थित। अब आ गए हैं सामने मॉल के सामने, जो कि राजेंद्र नगर में बन रहा है नया मॉल। आप देख सकते हैं कितने अच्छे यहाँ पर पोजीशन पे राजेंद्र नगर की मॉल बनने वाला है। आप देख सकते हैं सामने कितना अच्छा राजेंद्र नगर का मॉल बनेगा आगे, जो कि 3 साल पहले बनना स्टार्ट हुआ था और आज तक नहीं बन पाया। ये सामने देख सकते दोस्तों आप देख सकते हैं राजेंद्र नगर के इस एरिया में 6 लेन सड़कें हैं, जो कि बरेली शहर में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 6 लेन सड़कें बड़े बड़े महानगरों में नहीं बन पाई हैं, परंतु हमारे बरेली शहर में स्मार्ट सिटी के तौर पर ये बनी हुई हैं। और ये सामने देख जो कि बरेली शहर में राजेंद्र नगर में ठीक मॉल के सामने हैं। आप देख सकते हैं भैया बताएंगे आज हमें पूरी जानकारी इस कोगनेट के बारे में। भैया बताइए इस कोगनेट से क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे। राम राम भैया। इससे ये है क्या कहते हैं मलेरिया हो गई, टाइफाइड हो गया, इसमें फ़ायदा है। और ये प्रेगनेंट औरत होती है उसके लिए फ़ायदा होता है ये। और क्या कहते हैं और टाइफाइड हो गया और क्या बुखार हो गया तुम्हारा और प्लेटा कम हो गई, इन चीज़ में काम आता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होता है। प्लेट कम हो जाती है सर। प्लेट जो प्लेटा कम हो जाती है ना उसका मलेरिया में। हाँ डेंगू में। हाँ डेंगू में वो उसमें काम आता है ये। सर तोड़ के देख सकते हैं। तोड़ के तो सही है ये। दिखाइए भैया आपको दिखाएंगे छील के किस प्रकार से छिलता है हमारा ये। हाँ ये पानी का अलग होता है, बैंक वो मलाई का अलग होता है। पानी मलाई के दोनों का अलग होता है। देखो देखिए दोस्तों मैं आपको ये आप देख सकते हैं स्वाद के लिए बहुत ही बेहतरीन सिद्धियों में से एक है, जो कि हमारे सुबह सुबह के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेस्ट लूज में बहुत ही सहायक ये चीज़ है। ये भैया देख सकते हैं अब हम पियेंगे अपना ये कोकोनट, जो कि भैया ने हमें। दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक सामने हम आ पहुँचे हैं द ग्रे हाउस रेस्टोरेंट में। आप देख सकते हैं कितना विशाल कितनी ऊंचाई पे स्थित है और 4 मंजिल पे स्थित है। और इसी के ठीक सामने बुआ ड्रेस वाले हैं, जो कि बरेली में बहुत फेमस हैं।
आप देख सकते हैं सामने कितना अच्छा बेल कोल्हू का ऐड हमारे राजनगर में लगा हुआ है, और कितना बड़ा बरेली का ये आप देख रहे हैं ऐड मेरे माध्यम से। ये देख सकते हैं कितना ट्रैफिक बरेली के राजनगर में है होता है। कितना अच्छा नज़ारा बरेली इसके शहर में है। और हम आ पहुँचे हैं सलक्सम पॉइंट के ठीक सामने, जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है। हम वॉक करते करते आ पहुँचे हैं सलक्सम पॉइंट के ठीक सामने, जो कि आप देख सकते हैं ठीक सामने शहर में स्मार्ट कैमरे लगे हुए हैं, जो कि हर आप देख सकते हैं कितना किस प्रकार से गाड़ी रुक गई है। नहीं तो पीछे आप देख सकते हैं हमारे बरेली शहर के स्मार्ट कैमरे लगे हुए हैं, जरा सी भी अगर चूक होगी तो इनका चालान कट जाए। हम इस क्रॉसिंग को पार करेंगे और आपको दिखाएंगे, देखिए किस प्रकार से है। परंतु हम आशा कर रहे होंगे कि बरेली के नगर निगम में स्थित डेडिकेटेड दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक सामने राजनगर के डीडीपुरम स्थित सिलेक्शन पॉइंट के सामने आ गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है इसमें। और इसी के ठीक सामने आप देख सकते हैं मंदिर है, और आप देख सकते हैं बरेली के राज ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत ही सहायक बनी हुई हैं। और होली का समय है, आप देख सकते हैं होली नज़दीक है। इसी के साथ ही हमारे बरेली शहर में दुकानें लग चुकी हैं, जो कि देख सकते हैं विभिन्न प्रति हैं, सभी यहां पर उपलब्ध हैं। और हम दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बने रहें मेरे चैनल पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।